नमस्कार, आर्यन रसोई में आपका स्वागत है। मैं पूजा मिश्रा, मैं आज बनाने जा रही आम का पन्ना। आम का पन्ना बनाने के लिए हमें चाहिए, हमने कच्चे आम लिए हैं, 3 कच्चे आम लिए हैं हमने, पुदीने के पत्ते आधी कटोरी से भी कम, चीनी आधी कटोरी, काला नमक, भुना हुआ जीरा इसको हमने हल्का सा पीस लिया है, काली मिर्च पिसी हुई। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम कच्चे आम को छील करके काट लेंगे। देखिए हमने इसको छोटे छोटे पीसों में काट लिया है। हमने कढ़ाई को गैस पर रख लिया है, हम गैस जला देंगे और इसमें हम कच्चे आम कटे हुए डाल देंगे कढ़ाई में सारे। इसमें हम 1 गिलास पानी करेंगे और इसको हम उबाल लेंगे ढक करके, हल्का सा इसको हम गला लेंगे। हम देख लेंगे हमारे अच्छी तरह से आम पक चुके हैं कच्चे बिल्कुल। अब इसमें हम डाल देंगे चीनी और इसको हम थोड़ी देर और पका लेंगे। देखिए हमारी चीनी घुल चुकी है और हमारे आम भी पक चुके हैं। हमने गैस अब बंद कर दी है, इसको हम छान लेंगे। अब देखिए इसको हम इसमें करके छान लेंगे। इसको हम छान करके निकाल लेंगे और इसको ठंडा करके हम मिक्सी में पीस लेंगे। ये हमने ठंडा कर लिया हल्का सा, अब इसको हम मिक्सी में डाल देंगे, मिक्सी जार में। इसमें हम थोड़ा सा पानी करके भी डाल देंगे। इसमें हम डाल देंगे पुदीने के पत्ते काला नमक काली मिर्च भुना हुआ जीरा सबको हम अच्छे से पीस लेंगे। देखिए हमने बिल्कुल पीस लिया है। अब इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे, हमने 1 गिलास पानी कर दिया है पूरा, इसको हम मिला लेंगे अच्छे से। इसको हम जो हमने पानी उबाला था आम का उसी में हम इसको मिला देंगे। अब सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। हम इसमें सादा नमक और डाल देंगे। हमने सब कुछ अच्छे से मिला लिया है इसमें। अब इसको हम 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे और फिर इसको हम ठंडा करके सर्व करेंगे। देखिए हमारा आम पन्ना ठंडा हो चुका है, इसको हम किसी कांच के बर्तन में कर देंगे। अब देखिए हमने इसमें कांच के जग में कर दिया है। अब इसमें हम बर्फ डालेंगे और पन्ना को इसमें हम करेंगे आम पन्ना को। ऊपर से एक हम पुदीने की पत्ती रख देंगे। लीजिए तैयार है हमारा आम पन्ना। देखिए बहुत ही अच्छा बना है। इसको आप बना करके 8 से 10 दिन का फ्रिज में रख सकते हैं किसी कांच के बर्तन में ढक करके।
ये खराब नहीं होता है और ये पीने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, बिल्कुल फ्रेश बना हुआ है ये। जब भी आप गर्मी में मन करे इसको बनाइए और फ्रिज में रख लीजिए, और जब भी मन करे इसको निकाल के आप पीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।